हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं रेडी 2 मिनट। हल्का सा जैसे चाय के साथ स्नैक लेते हैं। ये सारी मैंने मिक्स वेज काट के, ये बीन्स है, येलो शिमला मिर्च, ग्रीन, रेड गोभी, गाजर थोड़ी सी इसमें, और ये उबला हुआ चावल है जो हम बना के बच भी जाता है और स्पेशल भी बनाती हूँ मैं इसे स्नैक के लिए, चाय के साथ खाने के लिए। इसमें थोड़ा सा मैंने कॉर्न डाला है, ये हरा धनिया है, ये टमाटर भी आधा टमाटर छोटा सा इसमें काटा है, और थोड़े से चावल हैं। ये फ्राई पैन में हल्का सा घी डाल के प्याज लहसुन और ये जीरा थोड़ा सा हल्का सा भुना है। इसको हमने पूरा प्रॉपर नहीं भुना है, वाइट वाइट रहने दिया है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी अपनी अकॉर्डिंग हल्की फुल्की सब्जियां डाल देंगे, और भी कुछ वेज हैं वो आप डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए पूरा न्यूट्रिशन, कलर भी इतना सुंदर। इसमें हम नमक और हल्का सा बस मसाला, जैसे वो है किचन किंग वगैरह, ये डाल सकते हैं। ये देखिए इसको मैंने डाल दिया इसमें सारा। ये एक कटोरी, छोटी कटोरी चावल था मेरे पास, तो वो मैंने उसको बनाया। ये देखिए कितना सुंदर, इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ, और ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये हल्का फुल्का, कोई नुकसान नहीं देता। अब नमक वगैरह अपने अकॉर्डिंग डालें, मैं सफ़ेद नमक डाल रही हूँ, मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ वही डाल रही हूँ। ये किचन किंग है, थोड़ा सा किचन किंग डाल रही हूँ। हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है क्योंकि मैं कम खाती हूँ हरी मिर्च। अपने अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको सॉस के साथ, चटनी के साथ, मैंने अभी बताया आपको, ऐसे ले सकते हैं। लेकिन हल्का से इसको चलाना है, बस गलानी नहीं है कोई सब्जी, इसको हल्का हल्का सा भूनना है। तो ये आपका अच्छा स्नैक चाय के लिए तैयार हो गया। ओके।